हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LLTC पंडवा में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्वालिटी क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, तो आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का होगा, बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 3-3 मार्क्स के मिलेंगे आपको। तो ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये चैप्टर को यानी इसमें 3 चैप्टर मिलेंगे। तीनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं आप, समझ गए। इसीलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपको 9th में भी मिला होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन उस चैप्टर में या कह सकते हैं 9th में आपका लेवल थोड़ा सा कम होगा, और जो आप 10th में पढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, बात समझे। तो देखिए क्या है, आपको एकदम बेसिक तरीका से आपको बता रहे हैं ना। देखिएगा, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है ये ग्राफ से रिलेटेड है, समझ गए। तो आप लोग पढ़े होंगे 2 लाइन होता है, एक जो ऐसे रहेगा जो सीधा रहेगा जो मतलब सोया रहेगा उसको बोलेंगे होरिजोंटल लाइन। क्या बोलेंगे? होरिजोंटल लाइन। और इसी पे खड़ा रहेगा यानी इसको कट करते हुए निकलेगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। कोई दिक्कत? जो सोया रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो खड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। अगर हिंदी में बात करें हम तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, जो कि आप 9th में अच्छे से पढ़े होंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। और हाँ, क्षैतिज रेखा को ही एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, बात समझ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को ही क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? और हाँ, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, तो देखिए तो कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, बात समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। अगर हाँ, और आप लोगों को 9th में क्वेश्चन मिला होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आपको हम बताए होंगे या पढ़े होंगे आप 0-0। क्या 0-0 होता है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोले थे? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस या क्षैतिज रेखा, और वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई एक्सिस बोल रहे थे, बात समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और आप पढ़े होंगे, जो एक्स एक्सिस का जो दाहिने साइड होता है, एक्स एक्सिस का दाहिने साइड कौन साइन लेते थे हम? प्लस साइन लेते थे, यानी नियमित अंतराल में बढ़ते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पॉजिटिव साइन लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, या डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और ऊपर जो साइन लेते थे हम, क्या लेते थे? ये भी नियमित अंतराल में चलना है आगे, ये नहीं कि एक लिए और पूरे डिस्टेंस लिए, एक सेंटीमीटर में लिए, एक 5 सेंटीमीटर में लिए, एक 2 सेंटीमीटर में लिए, इस तरह से नहीं, नियमित अंतराल में आपको आगे बढ़ते चले जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी पॉजिटिव साइन लेना है आपको, या कहाँ तक चल जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। और आप लेफ्ट साइड, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड, यानी एक्स ओ एक्स डैश, यहाँ को ओ मान लेते हैं ना, तो इधर क्या नाम दिए? एक्स डैश। इधर का साइन, इधर जब प्लस लिए हम तो इधर क्या लेंगे? माइनस लेंगे, यानी -1, -2, -3, -4, -5, कहाँ तक जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। और नीचे का साइन वाई लिए, वो वाई डैश चलेगा। नीचे का साइन क्या ले रहे थे हम लोग?
यानी -1 -2 -3 -4 -5। दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिएगा कि y o y डैश हो गया x o x डैश, इसको बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोल रहे थे वर्टिकल लाइन। अब देखिए ये जो दोनों पॉजिटिव है, इधर भी यहाँ भी पॉजिटिव है, साइन थोड़ा सा बताएंगे आपको ना, पहले सुन लीजिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप समझ गए इसको क्या बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब आगे देखते हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ गए ना, फिर आपको कुछ हम अच्छा चीज़ बताते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, नाइन्थ क्लास में आप लोग कोऑर्डिनेट दर्शाने के लिए पढ़े होंगे, याद तो होगा ही, अगर भूल भी गए होंगे तो कोई बात नहीं है, आपको हम यहाँ पुनः बताएंगे। कहे कि आप लोगों को भूलना काम है, हमको याद कराना काम है। चलिए अब देखते हैं इधर का साइन क्या ले रहे थे, पॉजिटिव साइन ले रहे थे 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 यानी -1 -2 -3 -4। अब थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट को दर्शाते हैं, कहा दो कोऑर्डिनेट आपको याद दिला देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। जैसे हमको दर्शाना है 6 5, क्या दर्शाना है 6 5। आपको एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये जो बोलते हैं इसको एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं एब्सिसा, लिख देते हैं हम एब्सिसा। इसको हिंदी में बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको हिंदी बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं कोटि। एक्स कोऑर्डिनेट को पूछेगा एग्जाम में, आपको नाइन्थ क्लास में क्वेश्चन ग्रुप में होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो एब्सिसा, क्या एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट कोटि, बात समझ गए। अच्छा अब हमको दर्शाना है 6 और 5, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मिटा रहे हैं हम। अब थोड़ा सा देखिएगा 6 और 5 को दर्शाना है आपको ना, 6 कहाँ मिलेगा, तो हाँ पहले x होता है बाद में y होता है, यानी जब 6 को किसमें खोजेंगे एक्स एक्सिस पर ढूंढेंगे, तो ढूंढिए कने मिलेगा, कने मिलेगा, देखिए यहाँ मिला आपको 6। 5 किधर मिलेगा भाई, तो नीचे तो मिलेगा नहीं क्योंकि तो माइनस में है, ऊपर में क्या है प्लस में है, यानी 5 यहाँ हुआ। अब कहेंगे कि थोड़ा सा तुम ऊपर आ जा, इसको कहेंगे थोड़ा सा तुम भी आ जा, दोनों मिल गया, यानी यहाँ का जो पॉइंट हुआ क्या हो गया 6 और 5। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 6 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ क्या यूनिट हुआ 5 यूनिट। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको आगे यूज आएगा, बात समझे। और दूसरा चीज़ आपको बताते हैं, अगर कह दिया कि -3 और 5 दर्शाइए,
क्या दर्शाइए, माइनस थ्री और फाइव। तो माइनस थ्री कहाँ खोजेंगे, एक्स एक्सिस पर खोजेंगे। तो खोजिए आप लोग, यानी यहाँ मिला हमको, आपको भी यहीं मिला होगा, यानी माइनस तीन हो गया। अब पाँच कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पर। ओहो, ये मिला ना, कहीं थोड़ा सा आप तुम भी आगे बढ़ जाओ भाई, कहेंगे तुम भी आगे बढ़ जाओ, है ना। यानी कितना हो जाएगा, माइनस थ्री और फाइव। दिक्कत यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं ना, आइए एक और दर्शाते हैं हम, माइनस टू जीरो को दर्शाएंगे या जीरो थ्री को दर्शाएंगे, तब कैसे दर्शाएंगे। यानी एक कोऑर्डिनेट आपका जीरो है और बाकी कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। तो देखिए इधर का साइन क्या लेते थे हम, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी एक से एक्सिस ले रहे थे, इसको वाई ले रहे थे ना। इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। अब देखिए माइनस टू जीरो लेना है, किसको लेना है, माइनस टू जीरो को दर्शाना है। देखो सबसे पहले माइनस टू कहाँ खोजेंगे, यानी माइनस टू को खोजने के लिए हमको एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो माइनस टू तो यहाँ मिला, अच्छा जीरो आ गया, जीरो कहाँ मिलेगा। तो आपको बताए थे कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होता है ना। यानी माइनस टू जीरो यहाँ मिला, यानी यही लाइन हो जाए आपका, यही जो एक्स एक्सिस का लाइन है वही लाइन हो जाए, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस टू और जीरो। यानी एक चीज़ और आ गया कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। एक और एग्जांपल से समझिएगा आप, जैसे हम थ्री जीरो दर्शा रहे हैं, तो थ्री जीरो यानी एक्स कहाँ, अरे थ्री कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर, यानी यहाँ मिला। और जीरो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिला, यानी जो पॉइंट मेरा हो गया, यानी थ्री और जीरो। देखिए तो एक्सिस पे ही ना है, एक्सिस पर यानी रहेगा। तो यानी कहने का मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। तो जीरो थ्री है, क्या है, जीरो और थ्री। तो जीरो कहाँ मिलेगा मेरा, जीरो तो यहीं मिलेगा, और थ्री कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट जीरो और थ्री, यानी यही जो लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइन। यानी यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो और थ्री। जैसे हमको दिखाना है जीरो और माइनस फोर, जीरो और माइनस फोर। तो जीरो कहाँ मिला, यहाँ मिला, माइनस फोर कहाँ मिलेगा, यानी यहाँ मिल जाएगा। यानी इसका कोऑर्डिनेट करना हो जाएगा जीरो और माइनस फोर, यानी ये लाइन हो गया मेरा। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब जो चैप्टर में, अब हम लोग चैप्टर में आते हैं, है ना। चैप्टर से पहले आपको, माने आपको इस पूरे चैप्टर में तीन तरह के फार्मूला आपको मिलेंगे, तीन चार तरीके से फार्मूला मिलेंगे। पहला डिस्टेंस फार्मूला हो गया, दूसरा सेक्शन फार्मूला हो गया, तीसरा मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, चौथा एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ गए ना, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि इस पे आपका पूरा चैप्टर यानी 7.1 पूरा बन जाएगा। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, आइए देखते हैं कि दूरी सूत्र कैसे आता है ना, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ड्राइव कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये जो है इसको एक एक्सिस हुआ, अब ये जो मेरा हुआ ये क्या हुआ, वाई एक्सिस ना, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट स्थित है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन और वाई वन। मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है ये जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए एक्स वन और वाई वन, और यहाँ जो है बी है पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स टू और वाई टू। जैसे यहाँ मान लेते हैं यहाँ रहता पाँच छः, यहाँ मान लेते हैं कुछ रहता वन टू थ्री, यहाँ रहता वन टू थ्री। तो यहाँ का तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता, और यहाँ का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लिए हैं यहाँ ए का कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वन और वाई वन, और बी का एक्स टू और वाई टू। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है।
बात समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ इधर ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से जाके यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। डिस्टेंस वही होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कहने का मतलब बहुत कम दूरी चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना है। यानी कहने का मतलब ये जो हुआ, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा होगा, है ना। यानी ये कहेगा, एग्जाम में आता भी है कि ए और बी के बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको हम फार्मूला बता देंगे। अब दो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहेगा तो आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। बात समझ रहे हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन और वाई वन, और बी का क्या है, एक्स टू और वाई टू। थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन में कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा हम लंब डाल रहे हैं, नाम दे दे रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं कि लंब डाल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, और यहाँ से यहाँ इसको क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, कोई दिक्कत। यानी कहने का मतलब इसको हम सीधा मिला दे रहे हैं ना, थोड़ा सा लोग डॉटेड लाइन ही दिखाइएगा, लंब डाल दिए तो नाम दे दे रहे हैं ए बी सी, अच्छा ए भी दे दिए है ना, पी क्यू आर, और यहाँ ए भी है ही। अच्छा आप लोग ये बताइए कि यहाँ तो P पॉइंट हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, देखिए तो यही ना डिस्टेंस है, यहाँ यही यही तो डिस्टेंस है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा गौर से, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या लिए थे, देखिए तो x1 और y1 लिए थे, लेकिन ये जो एक्सिस है वो x कोऑर्डिनेट को दर्शाएगा, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा x1, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा y1। कहे थे कि थोड़ा सा तुम आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा तुम यहाँ से यहाँ थोड़ा सा तुम आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा तुम आगे बढ़ जाओ, तो वही वाला तो डिस्टेंस हुआ है ये, समझ गए ना। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया x1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा y1, वाई वन हो गया। अच्छा फिर बताइएगा, आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, और यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो वही तो एक्स टू वाई टू है, तो यानी इसी का पैरेलल ये वाला होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा एक्स टू, और आपका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो जाएगा वाई टू, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा y2। अब बताइए आप कि यहाँ से यहाँ y1 है तो इसी का तो पैरेलल ये है, यानी यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा y1। अच्छा अब बताइएगा हमको ये डिस्टेंस चाहिए, यानी कहने का मतलब br चाहिए, b और r। आप बताइए इसको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक है 10, इसका वैल्यू कितना है 10, अब यहाँ तक मालूम है हमको, यहाँ तक मालूम है 2, और टोटल है 10, और टोटल है 10, यहाँ तक मालूम है 2, तो इतना कितना होगा, ये कितना होगा 8, तो 8 कैसे आया भाई, तो 10 में से 2 का किए घटाए तब नहीं 8 आया। यानी कहने का मतलब पूरा है y2, अब यहाँ y1, तब कहे कि यहाँ का डिस्टेंस बताइए, तो क्या हो जाएगा 10 में से 2 घटा रहते ना, तो y2 माइनस y1 करे तब नहीं आएगा, यानी यहाँ का डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1। बात समझ गए, सेम काम यहाँ भी करना है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ओ क्यू का डिस्टेंस कितना है x2 है, है ना, और ओ पी का डिस्टेंस मालूम है x1, तो ये बताइए आप, यानी पी क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को हल्का सा पीछे करके फिर समझिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए तो ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए तो ए आर बी, ध्यान दीजिएगा ए आर बी, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कुछ मान लेते हैं, कुछ लैंग्वेज लिख ले रहे हैं, लेट ए, ए का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू बी टू पॉइंट्स। मान लिए कि ए और बी जो है दो टू पॉइंट्स है, दो बिंदु है, विच इज जो कि विच इज सिचुएटेड इन अ प्लेन,
इन अ प्लेन, प्लेन मतलब टू डी ना, इन अ प्लेन जो कि स्थित है, प्लेन पे स्थित है। थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन किए थे वो भी बात हम इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं भाई कि एपिलम, यही लम डाले हैं हम कंस्ट्रक्शन में काम किए हैं। एपिलम, एपिलम ओ एक्स, क्या है एपिलम ओ एक्स, ड्रा एपिलम ओ एक्स एंड देखिए तो बी क्यू लम्ब ओ एक्स खींचे हैं, ओ एक्स पर ही खींचे हैं ना, बी क्यू लम्ब ओ एक्स, बी क्यू लम्ब ओ एक्स एंड ज्वाइन किसको किए हैं, ए आर को ज्वाइन किए हैं एंड ज्वाइन ए आर, यानी ए पी लम्ब ओ एक्स खींचा एंड बी क्यू लम्ब ओ एक्स खींचा एंड ए आर को मिलाया। अब चलते हैं कि समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं ना, इन ट्रेंगल ए आर बी, इन ट्रेंगल ए आर बी में चल रहे हैं, ए आर बी में चल रहे हैं, यानी अब बताइए ये जब समकोण हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थोड़ा सा आप देखिएगा, जब ये जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है वो x2 माइनस x1 है तो यहाँ का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि दोनों आपस में पैरल है, इक्वल है, बात समझ रहे हैं। अच्छा किसमें चल, ए आर बी में, यानी कहने का मतलब कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। चलिए ए बी स्क्वायर, ए आर का वैल्यू आप लोग बताइए कहाँ से, ए आर कहाँ है, ये ना ए और आर, ए और आर, ए आर का वैल्यू है एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आया। अच्छा b और r, b और r, br का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए ये स्क्वायर में है तो उधर जाके में क्या हो जाएगा, रूट में, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो है, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज नोन एज, विच इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। बात समझ गया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं कहीं इधर नहीं नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पीछे कर करके आप लोग देख लीजिएगा और देख लीजिए। तो आइए देखते हैं 7.1 का पहला क्या कहता है, आपको टू मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार देखे होंगे, कहा है एग्जाम में आपको दोनों ने पूछा होगा कि ये दोनों बीच इस ये दोनों बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, नाम दे दीजिएगा एकदम खूबसूरत नाम दे दीजिएगा, ए, यानी ए का कोऑर्डिनेट है 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट है कितना 4 और 1, ठीक है, तो इसी के बीच की दूरी आपको निकालना है ना। तो देखिए कुछ दो बात लिख लेंगे, हाँ दो बात भूलना नहीं है, दो बात याद रखना है ना, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे तो लेट कर लेंगे, लेट ए कितना है 2, 3 एंड बी 4, 1 बी 2 पॉइंट्स, मान लेंगे कि ए और बी दो बिंदु है ना। अब देखिए बताइए तो एक्स वन कितना है, आप लोग अभी फिलहाल लिख लीजिएगा ना, एक्स वन का वैल्यू कितना है 2, वाई वन 3 और एक्स टू कितना है, देखिए यहाँ 4 और वाई टू कितना है 1, इसको एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू और वाई टू मान लिए है ना। तब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है भाई, पहला नंबर फार्मूला लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी AB। अब देखिए तो x2 कितना है, देखिए तो 4 है, x1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी AB इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना 2, तो 2 का स्क्वायर
अच्छा लिख दे रहे हैं एक स्टेप और, एक में से तीन गया यानी माइनस दो का स्क्वायर हो गया। अब इधर देखिएगा ना, दो का स्क्वायर तो दूनी चार। अब देखिए इन है कि प्लस माइनस माइनस कर देना है ना, माइनस का भी स्क्वायर करना है। ध्यान दें इसी में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, दो नंबर क्या आएगा आपका और इसी में गलती करके टाइट रहिएगा तो क्या मिल देगा मार्क्स, यानी माइनस का स्क्वायर दो दूनी चार, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा यानी चार हो गया, यानी ए भी बराबर कितना हो जाएगा रूट आठ। अगर इसका बर्मूल निकल जाता है तो बर्मूल निकाल लेंगे, और अगर हाँ नहीं निकलता है तो छोड़ देंगे। तो देखते हैं निकाल कर, आठ का भाज गुणनखंड कीजिए तो दो दो चौं का आठ, दो दूनी चार, दो गुने दो, यानी कहने का मतलब दो गुने दो गुने दो, अब इसमें से दो एक बाहरी निकाल लीजिए और दो छोड़ दीजिए, यानी ए बी इक्वल टू दो, इसमें रूट छोड़ दीजिए। अब इसको यूनिट मत भूलिएगा लिखने के लिए, समझ गया ना। जैसे आप लोग मेंसुरेशन में आप लेंथ का यूनिट लिख रहे होंगे मीटर सेंटीमीटर जो भी लिख रहे होंगे, और यहाँ और एरिया में लिखते होंगे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे जो भी लिख रहे होंगे, आप जब आयतन निकाल रहे होंगे तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब बहुत सारे लिख रहे होंगे, इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका जो मात्रक होता है यूनिट होता है, यूनिट जब सॉल्व कीजिएगा इतना यूनिट, दूरी निकाल रहे हैं ना तो इतना यूनिट क्या हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। देखिए आप लोग के लिए हम कुछ होमवर्क लेके आए हैं, देखिए आप लोग आपको छः होमवर्क दिया जा रहा है ना, और छः होमवर्क को बस जैसे हम बताए हैं वैसे ही आपको काम करना है, यानी आपको फिगर बनाना है, दो बात लिखना है, दो बात भूलिएगा मत लिखने के लिए ना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, समझ गए। तो क्या करना है आपको, फिगर बनाना है, दो बात लिखना है, बाकी सॉल्व कर देना है। ठीक है, आपको कितना होमवर्क है आज का, छः क्वेश्चन है ना, और छः क्वेश्चन बनाकर कमेंट कीजिएगा, अगर इसमें से नहीं बनेगा है ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमको नहीं बना, जैसे तीसरा चौथा जो भी नहीं बने तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो में पहले इस पर चर्चा करेंगे फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले क्वेश्चन देख लीजिए।